जैसे जैसे सर्दी की वजह से उत्तर भारत का पारा नीचे गिर रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का चुनावी पारा ऊपर चढ़ रहा है। चुनाव से पहले होने वाली औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिन दलों को जिस गठबंधन में जाना था वो उस गठबंधन में जा चुके हैं। जिन नेताओं को अपना टिकट कट जाने का डर था, या जिन्हें अपने नेताओं से कुछ शिकायत थी, या जिन्हें लग रहा था कि वो अपनी पार्टी से चुनाव नहीं जीत सकते, उनमें से लगभग सबों ने पाला बदल लिया है। नए ड्राइवर और नई गाड़ी में सवार होकर एक नए सफर पर निकल चुके हैं। जनता को नए वादे, पुराने दावे और दांव से पटाने का, या यूं कहें कि बेवकूफ बनाने की कवायद जारी है। कोई कह रहा है कि मुफ्त बिजली देंगे, कोई मुफ्त दवाइयां दिलवा रहा है, तो कोई नौकरियों की दुकान खोलकर बैठ गया है। लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश केवल सियासी जमातों की ओर से ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के स्वघोषित विशेषज्ञों द्वारा भी जारी है। मिसाल के तौर पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव हार जाएंगे, या अखिलेश यादव को मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से जीतने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के लिए अमेठी का मजबूत कांग्रेसी किला ध्वस्त हो गया था, योगी और अखिलेश के लिए भी गोरखपुर और करहल का किला गिर सकता है। लेकिन क्या यह संभव है? हो सकता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। पहले भी बड़े बड़े कद्दावर, लोकप्रिय और जमीनी स्तर के नेता चुनाव हार चुके हैं, आइंदा भी हार सकते हैं। लेकिन इस तरह के दावों को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं? क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आखिर योगी आदित्यनाथ अयोध्या या मथुरा के बजाय गोरखपुर क्यों गए, और अखिलेश यादव आजमगढ़ छोड़कर मैनपुरी क्यों आए? कोई ना कोई बात तो होगी। आइए देखते हैं कि इन विधानसभा क्षेत्रों में पिछले 3-4 चुनावों के नतीजे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र पर नजर डालते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राधा मोहन दास अग्रवाल को यहां 56% वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार राणा राहुल सिंह को 28% वोट मिले थे। ख्याल रहे कि ये चुनाव कांग्रेस और सपा ने एक साथ मिलकर लड़ा था। 2012 में भाजपा उम्मीदवार को 49% और सपा प्रत्याशी को 20% और भाजपा उम्मीदवार को 14% वोट मिले थे। 2007 में बीजेपी उम्मीदवार को 54% वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 30% वोट मिले थे। अब अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र करहल की बात करते हैं। यहां 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के उम्मीदवार सोवरन सिंह यादव को लगभग 50% वोट मिले थे, जबकि भाजपा के उम्मीदवार रमा शक्या को 31% वोटों पर संतोष करना पड़ा था। 2012 में सोवरन सिंह यादव को 47% वोट, बसपा उम्मीदवार जयबीर सिंह को 31% और बीजेपी के उम्मीदवार को केवल 7% वोट मिले थे। 2007 में सपा के सोवरन सिंह यादव को 45%, बसपा उम्मीदवार रमेश को 30% और बीजेपी के उम्मीदवार सरिता देवी को केवल 5% वोट मिले थे। 2002 में भाजपा यहां से जरूर जीती थी, तब इस सीट से सोवरन सिंह यादव पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को केवल 925 वोटों से हराया था। बाद में सोवरन सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। मोदी युग के उदय के बाद इस सीट पर यह जरूर हुआ है कि कांग्रेस और बसपा के वोट भाजपा और सपा में बंट गए हैं। यूं तो चुनाव में कोई भी बड़ा उलटफेर कभी भी हो सकता है, लेकिन पिछले 3-4 चुनाव के आंकड़ों पर यदि नजर डाली जाए तो ये दोनों ही सीटें सपा और बीजेपी के लिए बिल्कुल सुरक्षित सीटें हैं। यहां नतीजों के विपरीत होने का मतलब ये है कि यदि योगी गोरखपुर से चुनाव हारते हैं तो सपा 300 का आंकड़ा पार कर लेगी, और यदि अखिलेश मैनपुरी के करहल से चुनाव हारते हैं तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश का आंकड़ा 300 के पार चला जाएगा। यानी विपरीत नतीजे जब ही आएंगे जब एक के समर्थन में और दूसरे के विरोध में जबरदस्त लहर होगी। लेकिन अभी तक का जो चुनावी माहौल है उसे यही अंदाजा होता है कि दोनों पार्टियों में लगभग बराबरी का मुकाबला है। दूसरी पार्टियों की भूमिका इस चुनाव में केवल एक सहायक तक की रह गई है, इसलिए इन दोनों यानी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का इन सुरक्षित सीटों से हारने की भविष्यवाणी करना दूर की कौड़ी साबित होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।